नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित 800 स्क्वायर फीट में बने बिल्डिंग को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सीज किया गया। आपको बता दें, विगत कई वर्षों से इस बिल्डिंग को सीज की जाती है या निर्माण को ध्वस्त कराने के नोटिस जारी होती है, उसके बाद भी क्या वजह है, किन कारणों से पुनः रेस्टोरेंट में शुरू हो जाता है। आज इसी संदर्भ में बिल्डिंग एवं बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट को सीज करने का कार्य किया गया। इस बिल्डिंग के मालिक विपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव ने कई बार शिकायत भी की है। इस अवसर पर विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट एवं भारी पुलिस बल मौजूद हैं। श्री विपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव द्वारा निर्मित भवन, जिसका भवन मानचित्र संख्या 40/2008 एवं शमन मानचित्र संख्या 89/08 है। इस भूमि का स्वामित्व 29 अप्रैल 2010 को निरस्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 29 मई 2019 को स्वामित्व के अभाव में नक्शा निरस्त कर दिया गया। इस अवैध भवन में चल रहे रेस्टोरेंट को आज 29 दिसंबर 2020 को सील कर दिया गया एवं इसके प्रथम तल पर चल रहे मुथूट फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह अपना सामान निकाल ले, जिससे सीलिंग की कार्रवाई संपूर्ण की जाए, तदुपरांत भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सके। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय को लेटर आया था, जिसके हिसाब से उनका कहना था कि ये जो बिल्डिंग है इसका नक्शा सही तरीके से पास नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इन्होंने जो नक्शा पास करवाया है वो रेसिडेंशियल के हिसाब से है, हालांकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए लिया जा रहा है, इसलिए उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, जैसे जब अगर ये बिल्डिंग जब बन रही थी तब प्राधिकरण क्या कर रहा था, उस टाइम का ही नहीं इसको रोका गया? ये भी तो बहुत पुराना मामला है, कई बार इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। एज अ मजिस्ट्रेट मैं यहाँ कानून व्यवस्था देखने आई हूँ, और बाकी जितनी भी आपको चीज़ें हैं, जो भी जानकारी है, वो आप प्राधिकरण से ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शुभी सिंह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से हुई ठगी के मामले में अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दरअसल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सभी आरोपी आज अयोध्या के राम की पैड़ी से गिरफ्तार किया गया है। यह सभी मुंबई के रहने वाले हैं और बैंक में फर्जी आईडी से खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए निकाले थे। आपको बता दें कि 9 नवंबर को आए फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके माध्यम से अयोध्या की भारतीय स्टेट बैंक में मंदिर निर्माण के निमित्त खाता खोला गया। इस खाते में मंदिर निर्माण के लिए बड़ी संख्या में राम भक्तों मंदिर निर्माण के लिए दान भेज रहे हैं, और वहीं स्टाम्प प्रक्रिया को देखते हुए लोगों की भी नज़र ट्रस्ट के इस खाते पर जा पड़ी और लोन चेक के माध्यम से पैसे निकालने का सफर पर याद किया गया। और इस मामले की जानकारी ट्रस्ट को 9 सितंबर को ही, जब दूसरे चेक के माध्यम से 9,86,000 रुपए निकालने की कोशिश में बैंक से कंफर्मेशन कॉल मिला, जिसके बाद ट्रस्ट आनन फानन में इस मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए कोतवाली अयोध्या में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में अयोध्या पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सभी अपराधी मुंबई से अलग अलग क्षेत्र के हैं। वहीं DIG SSP दीपक कुमार के मुताबिक यह सभी अपराधी मुंबई के क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिनके पास से 8 मोबाइल, 1 चेकबुक, कोटक महिंद्रा बैंक, 2 ATM, 1 पैन कार्ड व 1 आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, जिन्हें पंजीकृत मुकदमा में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत जेल भेज दिया गया है। कि 9 तारीख को 9 सितंबर को भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 6 लाख रुपए पैसे का गबन का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनके द्वारा एक मुकदमा अयोध्या थाने में, अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया गया। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से, क्योंकि ये पूरी तरह से फोर्जरी का मामला था, तो पुलिस ने इसमें एक ASP के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जो हमारे तत्कालीन ASP थे अंकुर अग्रवाल, और उनके नेतृत्व में हमारे SHO और हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे और सर्विलांस की टीम, इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया, और जो लोग इसमें शामिल थे, प्रशांत महावल शेट्टी, विमल लल्ला, शंकर सीताराम गोपाले और संजय तेजराज जैन, ये चारों मुंबई और उसके बगल में एक थाने, एक जगह है, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे चारों अपराधी,
और इन चारों अपराधियों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की गई और आपस में इन लोगों ने क्लोनिंग करके चेक बनाने के एक इन लोगों ने अपने बैंक में अकाउंट्स खोला और क्लोनिंग चेक के द्वारा ये अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे और उसे ये क्लियर कराते थे। इसमें चार एक्यूज्ड को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें अन्य जो एक्यूज्ड है इस केस में हम लोग उसके भी पीछे हैं और जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी ही उसको भी हम लोगों द्वारा अरेस्ट कर। इसका मास्टरमाइंड इसका जो मास्टरमाइंड है इस केस का एक उत्तर प्रदेश का ही के रहने वाला आदमी जो वर्तमान में मुंबई में रह रहा है वो इस केस का मास्टरमाइंड था। साथ ही उसका दोस्त प्रशांत तमावल शेट्टी था जो कि इसमें इन्वॉल्व था। लोगों ने सब पूछताछ करने के लिए लाए और गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा यहाँ से नहीं, ये तो चेक से निकाले गए हैं तो इनके अकाउंट से फिर उन सब पैसे को सीज करा दिया गया और वहाँ से उसकी बरामदगी का जो प्रोसेस है उसको पुलिस पूरा करेगी। कोई क्राइम हिस्ट्री अभी तक इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री वहाँ के पुलिस द्वारा नहीं। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, बैंक के लोगों की भी संभावना हो सकती है। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं एसपी साहब, ये खुद इस मामले को। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल एस ने चुनाव की रणनीति तैयार कर रखी है और इसी कड़ी में आज अयोध्या पहुंचे अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व एमएलसी आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया के मुखातिब होते हुए एमएलसी आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल एस उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और एनडीए के गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हालांकि सीटों के बंटवारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया लेकिन कहा कि समय आने पर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करने के बाद पंचायत चुनाव में सीटें तय की जाएंगी। आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल एस एनडीए का अटूट अंग है और प्रदेश के पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। बैठक में प्रमुख रूप से युवा मंच के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह, जिलाध्यक्ष केडी वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य व अन्य लोग मौजूद रहे। एमएलसी आशीष पटेल मिर्जापुर सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। पार्टी पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ रही है, उसी पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मैं यहाँ फैजाबाद आया हुआ हूँ और इसी की समीक्षा के लिए मैंने यहाँ जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। जो चुनाव है जिसमें कितने प्रत्याशी उतारे गए आप? पार्टी पूरे फैजाबाद जनपद के सभी जिला पंचायत वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये समय आने पर तय होगा कि कहां कहां से कितने कौन प्रत्याशी लड़ेगा। ये गठबंधन इसमें भी होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया कि हम एनडीए के अटूट अंग हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों में पार्टी गठबंधन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। समय आने पर तय होगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये समय आने पर तय। अभी पंचायत चुनाव है और इसमें क्या गठबंधन होगा? निश्चित तौर पे हम एनडीए के पार्ट हैं और पार्टी जो है एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर भी बनने वाला, क्या कहेंगे इस पर? ये कोर्ट का फैसला था, हम कोर्ट के फैसले का सभी पार्टियों ने स्वागत किया, हमारी पार्टी भी इसका स्वागत करती है। सुहावल अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग तहसील पूर्व टोल प्लाजा बना राहगीरों के लिए समस्या का प्लाजा। अव्यवस्था का यह आलम है कि सर्विस लाइन हमेशा बड़े बड़े वाहनों से बाधित रहती है, यहां तक कि दोनों तरफ दोपहिया वाहन, साइकिल व पैदल चलने वाले लोगों का मार्ग भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाने से बाधित हो जाता है। यही नहीं, टोल प्लाजा से दोनों तरफ लखनऊ की तरफ 1 किलोमीटर तक बड़े बड़े वाहन, ट्रक आदि सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी शिकायत टोल मैनेजर से करने पर टोल मैनेजर धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्थानीय जनमानस में टोल के प्रति भारी आक्रोश भरा हुआ है।